देखो अब जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.4 का, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो सभी। फिगर दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। एबीसी और डीबीसी का देखो बेस सेम है, क्या बात समझ में आ रही है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो फिर तुमको पता चल जाना चाहिए कि यार इनके मतलब कहीं ना कहीं एक हिंट दे रखी है एज अ बेस सेम। देखो क्या हिंट दे रखी है, उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग। उसमें जब आप 1/2 बेस इनटू हाइट लगाओगे एरिया का तो दोनों का बेस कॉमन आएगा, क्योंकि एज अ बेस उसने क्या दिया है, सेम दिया हुआ है। ठीक है, आपको शो करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी सी है वो निकलता है ए ओ अपॉन में डी ओ। ये हमें क्या करना है, दिस यू हैव टू प्रूव दैट। इसमें बस यही गिवन था कि बी सी बी सी हैव सेम बेस, बी सी का बेस क्या है, सेम बेस। ये दो जो ट्रेंगल दिए थे उन दोनों ट्रेंगल में, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, आपको इसका एरिया निकालना है और इन दोनों का एरिया का आंसर कितना आना चाहिए, ए ओ अपॉन डी ओ आना चाहिए। तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी की बात करोगे तो ए बी और सी, इसमें अगर बी सी बेस है तो इसका हाइट मौजूद नहीं था, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो किया है ना वो क्या किया है, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी किया है एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी, दो मिनट्स में कंस्ट्रक्शन किए गए। कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से हैंस प्रूव, ठीक है, डॉटेड लाइन से शो करते हैं कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन से मैंने बता दिया कि दो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किए हुए हैं, ट्रेंगल उसने खुद से दिया था, मतलब डायग्राम उसने खुद से दिया था। अब देखो आप ए बी सी में बेस कितना है, फॉर्मूला तो पता है ना, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 तो 1/2 आपका आ गया है ना, बेस कितना है, बी सी है, और हाइट कितनी है ए बी सी ट्रेंगल की, ए पी। कितना समझ जाते हो आप, बेस से ही हम लोग हाइट निकालते हैं, उसके कॉर्नर से, कहाँ से निकालते हैं, कॉर्नर से, ठीक है। जैसे अगर मैं ट्रेंगल आपको दूं कुछ अजीब सही लाइक दिस, ये बताओ ये है ए बी और सी, बताओ इसमें मैं परपेंडिकुलर कहाँ डालूंगा, ए और सी पे। अगर मैं बी सी को बेस मानूंगा तो मैं हाइट किसको मानूंगा, बी सी पे लाइन बनेगी, लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ साइड में बना दे, बी सी तो बेस है, हाँ हाइट निकालनी है आपको, सीधी सी बात है। तो आपको अंदाजा होता है हमेशा कि यार हाइट यहीं से निकालूंगा मैं, तिरछा स्केल लगाते हो हाइट निकालने के लिए, सीधे निकालते हैं ना, तो अपन क्या है यहाँ से डॉटेड लाइन, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट। ये चीज बहुत कम बच्चों को पता है, वो क्या सोचते हैं हाइट निकालने के लिए कि सर यहाँ से क्या कर दो, ऐसा परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से डालोगे चलेगा, सुनो, पर बेस क्या हो जाएगा फिर, बेस ऐसी लेना। अभी मैंने बेस क्या बोला है, बीसी, मैंने खुद से बोला ना बेटा बेस बीसी लेना है, ठीक है, बेस बीसी लेना है, तो आप हाइट क्या लोगे उसके अकॉर्डिंग ही लोगे, जो बेस होता है वहीं से हाइट निकालना, ऐसा नहीं कि बेस ये और हाइट ये, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जो बेस है उसी पे ही क्या लेना, हाइट लेना ट्रेंगल की, ठीक है, नहीं तो पता चल रहा है कि कोई सी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा वो हाइट, जानबूझ के है फंसाएगा वो, बोले कि ये हाइट है और ये दे रखा है, तो फिर यहाँ से हाइट डालना पड़ती है ना बेटा आपको, आपको हाइट कौन सी लेनी पड़ती है, सी से देखनी पड़ती, तो आप क्या करते हैं इसको हाइट डालने के लिए यहाँ से इसको पीछे खींचते हैं, तो ये खुद पीछे भी क्या खींचते हैं, यहाँ से ले यहाँ तक ये हाइट है, ये दिख तो रही है, आ रही बात समझ में कि नहीं है, ठीक है ना, तो हाइट है भैया यहाँ से वहाँ तक की पॉइंट की, पर हाइट कैसे निकलती है, हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है हाइट का, बस यही है ना। कभी भी जैसे मैं बोलूँ कि बताओ इस छत की हाइट कितनी है, तो आप क्या करते हो, अगर आपका आपका जो स्केल होता है अगर थोड़ा सा बेंड होता है तो उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बल्कि भी थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, क्या करो सीधा करो, और तिरछा है क्या करो सीधा करो, हाँ अब स्ट्रेट आ गया 90 डिग्री। इसलिए हाइट और बेस के बीच में हमेशा कैसा संबंध होता है, 90 डिग्री का, वही आपको एरिया में लेना पड़ता है, ठीक है।
चलो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना बनेगा बीसी, अगर बेस बीसी है तो उसका परपेंडिकुलर एपी जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेंगल डीबीसी, डीबीसी का फॉर्मूला भी सेम लगेगा, बेस इसका भी सेम है परंतु उसका परपेंडिकुलर क्या लोगे डीएम। अब यहाँ पे ये और ये तो पूरा क्या हो रहा है, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, एपी अपॉन में डीएम। क्या उसने इसका आंसर ऐसा बोला था कि इसको एपी अपॉन डीएम प्रूफ करो? नहीं, अगर एपी अपॉन डीएम प्रूफ करता तो बहुत एक स्टेप में हो गया था, एक और स्टेप बस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आपको पता है एपी अपॉन डीएम ये पॉइंट ओ है ना, ये जो ओ पॉइंट है ये वाला, क्या आप इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेंट सिमिलर प्रूफ कर सकते हो एपीओ और डीएमओ को? एपीओ डीएमओ को, क्योंकि हमने तो एक तो 90 डिग्री डाला है, तो ये वाला 90 और ये वाला 90 और ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए डबल ए से। अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग टांगे क्या हो जाएगी प्रपोर्शन में, इक्वल नहीं होती, करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या होती है प्रपोर्शन में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO होगा, नहीं होगा? एक और तीसरा भी होगा, अब तो इतना मत सोचो इसको देखने के लिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कितनी बार कर चुके हैं, अब नहीं आ रहा दिमाग में तो पढ़ाई छोड़ देना आप। AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO, देख सक रहे हो ना आप। और एक और क्या बनेगा, OP अपॉन CO, ओपी अपॉन ओ एम बनेगा। आ रहा है समझ में? करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अभी यहाँ की बात कर, अभी एपी अपॉन डी एम इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, ए अपॉन डी ओ। अब ए अपॉन डी ओ मतलब सॉरी एपी अपॉन डी एम की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, एपी अपॉन ये भी रख सकता हूँ, सॉरी मतलब इसकी जगह ये भी रख सकता हूँ और ये भी रख सकता हूँ, क्योंकि तीनों क्या है इक्वल है, मतलब मैं इसको इज इक्वल टू एपी अपॉन डीएम की जगह जो प्रूफ करना है वो रख दूं ए अपॉन में डीओ जो मैंने लास्ट में किया है, हैंस प्रूव, ठीक है। अब बोलो क्या डाउट तुम्हारा, वन क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ो, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इक्वल, दोनों के एरिया क्या है सिमिलर ट्रेंगल है, सबसे बड़ी चीज तो क्या दे रखा है ट्रेंगल सिमिलर है और उनके एरिया क्या गिवन है इक्वल। अगर ट्रेंगल सिमिलर मान लेते हैं, एक ट्रेंगल है एबीसी और दूसरा ट्रेंगल पीक्यूआर है जो मैंने बनाया नहीं, जिसकी जरूरत है भी नहीं बनाने की अब, क्योंकि अब तुम समझ गए हो एबीसी और पीक्यूआर, लो बना भी देता हूं चलो, ठीक है ये ए बी सी और ये क्या बनेगा पीक्यूआर, ठीक ये क्लियर है, ये सीन्स यहां लगा देते हैं, छोटा सा बना दिया एबीसी और पीक्यूआर। अच्छा एरिया सेम होता है तो थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने कल, ये कल थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दोनों ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में सब इक्वल होते हैं ना, साइड के प्रोपोर्शन में साइड के स्क्वायर लगाने पर, मतलब एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, इसलिए आप स्क्वायर समझ के इसे याद रख लो। तो इसीलिए ये इक्वेशन तो आपको पता है सिमिलर ट्रेंगल है तो सिमिलर दिए थे, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट भी होंगे। अच्छा सिमिलर है इसका, अच्छा और एरिया क्या है आपको खुद से दिया है इक्वल, मैं नहीं बोल रहा हूँ एरिया क्या दिया है इक्वल है, प्रश्न को पढ़ोगे तो सिमिलर भी दिया है और इक्वल भी दिया है, मतलब इसका एरिया किसके बराबर, इसका एरिया बराबर होगा। देखो अब वन कैसे आया, देखो एक इसका जितना एरिया मान लो इसका एरिया 20 है तो इसका भी क्या रखूंगा 20 और 20 कट के कितना आएगा आएगा ना, या फिर डायरेक्ट वन नहीं, तुमको क्या रखना है एरिया ऑफ एबीसी की जगह क्या लिख दोगे एरिया ऑफ भाई पीक्यूआर का किसके बराबर है भाई, समान चीज तो समान होती है ना, राम अपॉन में राम कितना होगा, कृष्ण अपॉन में कृष्ण कितना होगा, भाई दुनिया की दो समान चीजें वन हो जाती है ना डिवाइड में हो तो, और दोनों चीजें अगर डिफरेंस की होती भले कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो अगर डिवाइड में होगी तो वन और डिफरेंस में होगी तो जीरो, थाउजेंड माइनस थाउजेंड भी जीरो होता है, लाख माइनस लाख भी जीरो होता है, करोड़ माइनस करोड़ भी जीरो, तो वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अगर दोनों वैल्यू सेम है माइनस में तो जीरो ही हो जाना है और दोनों वैल्यू सिवाय डिवाइड में सेम है तो क्या हो जाएगा वन ही हो जाना है। तो वन समझ में आया ना कैसे आ रहा है, उसने एरिया इक्वल दिया था इसलिए हमको हमने रख लिया उसको और काट दिया तो वन। अच्छा अब यहाँ पे वन हो गया बेटा तो इससे कितनी इक्वेशन बनती है, मतलब क्या ए बी अपॉन पी क्यू वन के बराबर होगा,
एक एक करके देखते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर 1 के बराबर होगा पहले, मतलब पहले ऐसा आएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा रूट, तो मैंने स्क्वायर हटा, 1 का रूट 1 ही होता है क्या, तो मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा क्या लिख देता हूँ इसको 1, मतलब मैं पी क्यू को उधर भेज सकता हूँ, तो ए बी पी क्यू के बराबर हो गया। क्या आपको समझ में आया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू कैसे आया? ठीक उसी प्रकार से मैं 1 को इसके बराबर कर सकता हूँ ना, इससे क्या निकल जाएगा बी सी और क्यू आर बराबर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? और ठीक उसी प्रकार से जैसे इन दोनों को किया था वैसे इन दोनों को और तीसरा इसको और इसके इक्वल कर सकता हूँ, तो मुझसे क्या मिलेगा ए सी इज इक्वल टू, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इक्वल है, तो बाय ट्रिपल एस 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से ये ट्रेंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये तो पढ़ा है यार 9th में तुमने, ट्रिपल एस की तीनों अगर आपकी साइड्स इक्वल हो जाती है ना तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से ट्रेंगल क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, देयरफॉर दीज टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, मतलब सिमिलर है और एरिया सेम है तो ट्रेंगल क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। एक एज अ थ्योरम भी समझ सकते हो और एक जनरल सी भी बात है यार कि तुम्हारे अगर एरिया मतलब तुमने सिमिलर दिए और एरिया सेम दिए तो दोनों एक जैसे ही दिए अल्टीमेटली, एक जैसे के क्या होते हैं एक जैसे ट्रेंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट ही तो होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, 5वां में आपको लॉजिकली बता दूं चल जाएगा क्या 5वां, क्योंकि इसका प्रूफ से देखोगे तो प्रूफ तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कर लेते हैं चलो बता देता हूँ इसका प्रूफ भी शॉर्टकट में निपटा देते हैं। ट्रेंगल क्या दे रखा है डी ई एफ, मतलब ये ए बी सी एक ट्रेंगल है, ए बी का मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट है एफ और बी सी का मिड पॉइंट है कितना ई, यहाँ से एक कुछ क्या बन रहा है एक ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है यहाँ से एक ट्रेंगल बन रहा है, आपको क्या बोला है फाइंड नहीं रेशियो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है फाइंड दी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, आपको बात समझ में आ रही है ठीक है। अच्छा मैं लॉजिकली तो तुमको यूं बता देता हूं, जैसे जनरली ये मिड पॉइंट से जब एक ट्रेंगल से बनते हैं तो इन सभी के एरिया क्या हो जाते हैं बराबर, सभी के एरिया क्या हो जाते हैं मतलब इसका एरिया अगर x है तो इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, क्या बात समझ में आ रही है। डी ई एफ का एरिया बताओ कितना है, और ए बी सी का एरिया कितना है, एक क्या बात समझ में आ रही है, इसका आंसर यही है 1/4, पर ये एक्चुअली इलॉजिकल है अभी, इसलिए मैंने मान लिया क्योंकि ये मिड पॉइंट पे था और किसी थ्योरम का रेफरेंस लेते हुए, एक थ्योरम थी 9th में कि इन सब के एरिया क्या निकलेंगे बराबर निकलेंगे आप अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो ट्रेंगल को, ठीक है तो वो अपन ने प्रूफ नहीं किया, एक थ्योरम का रेफरेंस देते हुए इनके एरिया क्या दे दिए बराबर दे दिए, तो बात क्लियर हुई इनके इनके रेशियोज कितने आ गए एक्स अपॉन में 4x, तो सीधे सीधे कितना आ गया 1:4, मतलब ये अगर एक गुना ट्रेंगल है इसका एरिया कितना निकला अगर 25 निकला तो इसका कितना निकलेगा 4 गुना, नहीं समझे मतलब डी ई एफ कितना है 25 है तो पूरे का एरिया कितना होगा 100, ये एक है तो वो कितना होता है 4, आपको याद है ना रेशो में अपन क्या लगाते हैं बेटा एक्स लगाते हैं तो 1x लेट द नंबर बी 1x और इसको क्या ले लेते हैं 4x, अगर x मैंने दिया कितना 10 तो आंसर कितना हो जाएगा 10 और 40, अगर x मैंने दिया 50 तो आंसर कितना हो जाएगा 50 और 200, हाँ ऐसा होता था ना, तो x के ऊपर निर्भर करता है आप x की क्वांटिटी कितनी लोगे उसके अकॉर्डिंग आता है। हाँ पर ये है कि एक अगर एक गुना है तो दूसरा उसका 4 गुना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर।
इसको अपने को वैसे मुझे नहीं लगता कि वो स्टेप बाय स्टेप कर लें अपन, क्योंकि अब तो तय कर लिया है सीबीएसई ने कि इसका जो है एग्ज़ाम हम वो कैसे ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं और ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा दिल को तुम जानते ही हो फिर अब, क्योंकि जैसे ही लेंथ बढ़ेगी हमारा दुख क्या आने लग जाएगा, धक धक हमारी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि लेंथ हमारी बढ़ती है क्वेश्चन की, इसका मतलब फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब सीधी सी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसको भी अपन डायरेक्ट ही देखेंगे। प्रूफ दैट द रेशियोज ऑफ देयर, इसको एज अ थ्योरम याद करो, क्या याद करोगे? थ्योरम, क्योंकि प्रूफ तो तुमको करने को आएगा नहीं। एज अ स्टेटमेंट समझ लो कि अपन ने ये क्वेश्चन छोड़े हैं, बस इसको क्या करना है, हमें याद करना है। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे देगा, सुनो, ये क्वेश्चन ऐसे देगा, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा। गिवन एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी एफ इज इक्वल टू 50 cm². व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ध्यान से पढ़ो तो सही, क्या दिया है, एरिया दिया है ना एडीएफ का। एडीएफ की जमीन कितनी है? 50 है। निकालना किसकी है? एबीसी की निकालनी है। और सारे एरिया क्या है? अरे ये 50 तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, 200 अभी तो सिखाया, 200 ये 50 का है तो दूसरा कितना है? 200। अच्छा, यहाँ पर ए बी सी की जगह, अच्छा डी ई एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जरूरी क्या डी ई एफ लिखूँ? नहीं, डी ई एफ की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ? डी वी ई भी लिख सकता हूँ, ये एफ ई सी भी लिख सकता हूँ, ए डी वी भी लिख सकता हूँ। सब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि चारों ही क्या है, आपस में वो इक्वल निकलेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये कब कनेक्ट होना चाहिए एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट समझते हो ना, वो कनेक्ट होंगे तो ही आपका ये चीज पॉसिबल हमारा होगा, ठीक है। इसमें एक नाइन्थ की थ्योरम लगती, पर थोड़ा सा क्या है, नाइन्थ में एक थ्योरम थी मिड पॉइंट की, कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम याद है, मिड पॉइंट थ्योरम किसी को, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती थी? अभी तुमको क्या है, अब पहले क्या है, सीखने का तरीका भी अलग था ना, तुमको इस तरीके से सिखाया भी तो नहीं गया था, अभी तुम्हें चीज़ें आप समझ में पड़ती। हाँ, चीज़ें आसान थी, बट उसको कॉम्प्लिकेट कर करके बता रहे हैं, सब कर करके बता रहे हैं, तो फिर कहाँ घुसेगी दिमाग में वो। अभी चीज़ें मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बताई आपको, जो भी क्वेश्चन बताया ना, लिखा लाखी करी नहीं ज़्यादा मैंने, बहुत कम कम शब्दों में उसको डिराइव कर दिया, नहीं तो बुक्स में क्या दिया होता है, फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दैट इक्वेशन, ये वो सब लिखते हैं, इतना इतना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे को समझ में आ जाता है कि यार इसको इसमें पुट करना है, तो वो अपन ने इतना लिखा नहीं, रिड्यूस कर दिया। क्या बोल रहे हो, बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गए? इसमें क्या मिलेगा, एक तो ये कितना रेशो मिलेगा, 1/4 मिलेगा, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। मतलब प्रूफ नहीं किया इसका, मतलब प्रूफ अपन ने शॉर्टकट में निपटा दिया बाय सम रेफरेंस, इसका एरिया x है और इसका 4x है, तो रेशो 1/4 होता है, ठीक है। और एक मीडियन वाला क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी कितना होगा यहाँ पे? 200, ठीक है। बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल लाइन वाले आपने करे थे, ये रेंडम दिया है मैंने, कुछ भी दे दें आप, कुछ भी दे देगा आपको वो, तो x की जगह 50 की जगह 100 200 300 500 2 3 4 एनी नंबर इज पॉसिबल सर, बस प्रूफ करना है ना। हाँ, प्रूफ करना था 1:4, अब प्रूफ वाला वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको तुम अगर ऐसा प्रूफ करोगे तो फिर लेंथ बढ़ेगी। तो अपन ने ऐसा थ्योरम क्या है, इसको याद कर लिया, वो तुम याद कितना रख पाओ, इसके ऊपर है छठा वाला, ठीक है। तुमको प्रूफ तो याद रहता ही नहीं है, स्टेटमेंट याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन, ये भी याद कर लेना। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियम।
कम से कम एनसीईआरटी का तो याद रख लो, बाकी का तो बहुत सारा होता है क्वेश्चन, उसी में से बनेगा ना कि सब छोड़ेंगे तो फिर बोलेंगे कि चलो एनसीईआरटी में से नहीं आने वाला, आरडी में से नहीं आने वाला, तो छोड़ो ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या करेंगे अपन, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो अब मान लेते हैं कि बीसी ये इसका एक मीडियन है पी और ये मीडियन है इसका डी, ए बी सी एन ले लो, चलो ठीक है एन ले लेते हैं। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रश्न पढ़ो छठा वाला, सबसे पहली कंडीशन दोनों ट्रेंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर, आ रही बात समझ में, तो दोनों ट्रेंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ट्रेंगल सिमिलर है, इसके प्रूफ थोड़ा सा तुम देखोगे ना तो बन जाएंगे, अभी तो मैं केवल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि अपन मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, सीधी सी बात है, जैसी एग्जाम वैसा प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी निकालोगे आप, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेंगल किसका निकालोगे, पी ई एफ, और दोनों ट्रेंगल का क्या निकालोगे, रेशो, मतलब इन दोनों ट्रेंगल के एरिया का, तो वो करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर आएगा। ए पी एक मीडियन है, मतलब वो ए पी अपॉन, ए पी अपॉन इसको क्या लिया अपन ने, डी, ए पी अपॉन डी एन के स्क्वायर के बराबर आएगा, समझे नहीं समझे। मीडियन किसको बोलते हैं, एक ट्रेंगल में कितनी मीडियन होगी, तीन, बाकी हमेशा गौर किस पे फरमाते हैं, केवल इस वाली पे, बाकी दो को अपन भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते हैं क्वेश्चन, वो एक को एक स्टैंडर्ड को ही ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करता है। तो एक ट्रेंगल में तीन मीडियन होती है, पर अपन ज़्यादा इस्तेमाल इन दोनों का करते हैं, इसलिए उसको करते हैं हर बार, नहीं तो मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ मीडियन और यहाँ से मीडियन डाल के भी नाम ले सकता था। तो ये क्लियर हुआ, तो ये थ्योरम है कि अगर आपको इसका एरिया का रेशियो निकालना है तो आप एक और शर्त पे निकाल सकते हो कि ये मीडियन की लेंथ और इस मीडियन की लेंथ दोनों को डिवाइड करो और उसका क्या निकाल लो, स्क्वायर, हरी बात समझ में। तो आपको क्या निकल जाएगा, उन दोनों ट्रेंगल के एरिया के रेशियो निकल जाएंगे, रेशियो अलग होता है ना और एरिया इंडिविजुअली अलग होता है, रेशियो में पता नहीं चलता है कि इसकी वैल्यू कितनी, इसका एरिया कितना और इसका एरिया, हाँ, पर उस रेशो में x लगाना पड़ता है और x से मल्टीप्लाई कर दोगे जो दिया होगा, तो आपको एरिया उसका भी और इसका भी पता चल जाएगा, जैसा अभी मैंने किया था। क्वेश्चन देखें इसके, ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्या है कि एप्लीकेशन ये, इसको प्रूफ करना, प्रूफ तो ये हो जाएगा, अब तुमको प्रूफ इसका याद नहीं रखना है क्योंकि प्रूफ की स्टेप्स तुम्हें काम नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि देखो इसके प्रूफ के लिए कुछ नाइन्थ का अगर थ्योरम यूज़ हो गया तो उसका कुछ क्वेश्चन तुमको बना के यूँ भी पूछ सकते, पर इतनी संभावना उसकी नहीं है पूछने के लिए, टेंथ में इतना सारा है कि क्या पूछेंगे साहब। एपी मैंने दिया टू, एपी दिया मैंने टू, ठीक है, और डीएन दिया मैंने सिक्स, बताओ क्या क्या रेशो होगा, स्क्वायर तो करने की आदत है ही नहीं ना हमारी। एपी कितना है, दो, डीएन कितना है, छः, मैंने पूछा कि इनके एरिया के ट्रेंगल के रेशो क्या है, तो वही रेशो है जो मीडियन के रेशो हैं उनके स्क्वायर कर दो, तो मीडियन कितना है, दो, यहाँ कितना रखेंगे, छः, तो वन बाय थ्री, वन बाय थ्री आएगा और उसका स्क्वायर, तो फिर वन का स्क्वायर वन और थ्री का स्क्वायर नाइन, दोनों का स्क्वायर हो ना, अपनी आदत एक को करने की है, एक को भूल जाते हैं, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। सर ऐसे नहीं कर सकते, पहले 2 और 6 को कर दिया उनका स्क्वायर पे, हां कर सकते ना, वही स्क्वायर, आप देखो अब मुझे बताओ 2x - 2x + 3y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, निशा बताओ क्या लगेगा इसका आंसर, 3 का होल स्क्वायर, हां सर वही आएगा, क्या आएगा तू बता, क्या आएगा इसका आंसर, हां इसका आंसर, सर सामने भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं सेंसर, मैंने तो बोला सॉल्व दिस, सॉल्व दिस, सबसे पूछता हूं, अच्छा अभी जिससे पूछ रहा हूं, कुछ 2x + 3y आप क्या बताओगे इसका आंसर, रुको ना यार पूछ तो रहा हूँ मैं, मुझे पता है जिसको याद आ गया उससे थोड़ी तो पूछूंगा यार मैं,
अब तो इनसे पूछता हूँ, आपको पता है 2x प्लस 3y, मतलब ये ऑफ बीट क्वेश्चन आ गया, अलग से अजीब सा आ गया है सर, आ गया। तू बता, याद आया? वही तो लगाना है यार, तक कंफ्यूज हो गए मैं, मतलब तुम्हारा एक आउट ऑफ बॉक्स आंसर क्या निकलता है इसमें देखो, ऐसा बोले इसका भी स्क्वायर कर लो और इसका भी स्क्वायर, और बाद में इन सबको जोड़ भी दो, 9 और 4 13 और साथ में ऐसा एक्स स्क्वायर वाइस, ये तो गलत बता रहा हूँ ना मैं, एक सोच बता रहा हूँ तुम्हारी, ये तो ये सोच है, मतलब कुछ कुछ बच्चों की सोच है, अब वो किसकी भी हो सकती है, किसी की नहीं भी हो तो अन्यथा नहीं लेना है, अब वो सब समझ गया आपने कि इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, बीच में क्या है प्लस है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब बोल चुका है मैथ्स वाला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया ना बेटा, तो आपको क्या लगाना है, सीधे सीधे आइडेंटिटी लगानी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आना, मतलब ये दो बच्चे के तीन बच्चे हो जाते हैं ये जब खुलता है, आती बात समझ में, दुड़वा के तिड़वा हो जाते हैं ये, तो यहाँ पर ये दो तुमने कर दिए दोनों के स्क्वायर, प्लस में होता है ये काम, पर मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे क्या होता, तब करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सबके स्क्वायर बांटो बंटवारे करो, दो का स्क्वायर तू रख चल, तू चार हो जा, एक्स तेरा स्क्वायर कर रहे हैं तू एक्स हो जा, तीन तेरा स्क्वायर कर रहे हैं तू नौ हो जा, वाई तेरा स्क्वायर कर रहे हैं तू कितना हो जा, वाई स्क्वायर हो जा, अब ये सब मल्टीप्लाई में 49 मत कर देना, ये 9 4 का कितना हो गया 32 ना 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, भैया तो प्लस माइनस साइन से ही तो सब चीज़ें होती है यार, तुमको बचपन से प्लस माइनस तो पढ़ते हैं, फिर उसमें भी गुड़ गोबर कर दोगे तो क्या होगा, याद रखो ना यार, प्लस है तो फिर ऐसा काम मत करो कि इसका भी स्क्वायर कर दिया और प्लस लगा के इसका भी कर दिया, मैं इसको पता है बीच बीच में ऐसा ले आता हूँ, जैसे एडवर्टीजमेंट देते कि नहीं थोड़ी थोड़ी देर में, इसलिए इसको इसलिए ध्यान में ले आता हूँ क्योंकि तुम्हारी एग्जाम नज़दीक है अब जो भी तुम समझ लो, अब यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो थोड़ी सी सुधार दी जाए तो यार तुम्हारे 2 नंबर तो ज़्यादा बढ़ेंगे यार, क्योंकि जो तुम करोगे वो तो करोगे, कितना भी पढ़ लो, किसी भी महान व्यक्ति से पढ़ लो, बच्चा जैसा करता है ना वैसा ही करता है, उसको तो आदत है ना यार ऐसा करने की, मेहनत करवानी पड़ेगी बस मुझे, अब तुमको जैसे मैंने मार मार के बोला कि तुम ये करके आना तो कर क्या होगे, नहीं समझ में आएगा तब पूछोगे, हाँ यार अब समझ नहीं आया पूछते, तो करने से ही प्रैक्टिस करने से आता है, पर फिर भी तुम्हारा लेवल तो अप हुआ है ना, ये बात समझ में आई ना, मतलब जो बोलने की बात थी यहाँ से यहाँ इसलिए आई कि स्क्वायर करना है ना तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है तो आप कर दो, अच्छा अब इसका आंसर बताओ, ये 3 है और ये 7 है, है ना, एक और गलती आदत, बच्चा क्या करता है जब इसकी ऑफलाइन एग्जाम होती है ना तो दिक्कत है, वो क्या करता है ऐसा करता है ना, ऐसा दिखाता है ऐसा है। तो फिर वो करता भी उसी का स्क्वायर है, सब कुछ सही कर रहा है, इधर 9 लिखता है और इधर 7 लिखता है और 10 घंटे तक सोचता है कि यार मेरा आंसर गलत क्यों आया, अरे भाई वो होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था तो स्क्वायर के बंटवारे इसको और इसको दोनों को करो ना, तुम एक को करते हो एक को भूल जाते हो, दो भाई है ना यार घर में, है ना दिवाली आ रही है, पटाखे लाओगे दोनों के लिए लाओगे कि एक को बांटोगे, दोनों रह रहे स्क्वायर दोनों का है, पर प्लस में ऐसा काम नहीं है, प्लस की आइडेंटिटी फिक्स है, ऐसा तुम सिंपल डिवाइडिंग और सिंपल मल्टीप्लाई में कर सकते हो, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद है तो ये आंसर गलत हो जाता है, आंसर कितना आएगा 9/49, तुम मेरे साथ तो सही करते हो, अब ये 99 कार्ड भी मत देना, सीधे सर 1/4 क्योंकि 1/4 चल रहा था तो 1/4 लिख दिया अब ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, मेरा गणित दोस्त आप फिर मैं 6 काट के 1/4 लाता हूँ तो भी देखो 16 4 64 आता है, मैं टीचर हूँ ना सही करूँगा ना, तो भी 1/4 तो आ रहा है तो फिर 25 और 5 का करके बता चलो ठीक है, तो मजाक वाली बात है, ठीक है समझने वाले समझ गए, तो मैथ्स में भी हमारा जो है वो थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, मीडियन समझ में आया, मीडियन देंगे तो मीडियन का डिवाइड करके स्क्वायर कर देना तो वही किसका आंसर होगा, एरिया का रेशो का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है किस लेवल पर ये चीज़ें जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन बदनाम करते हैं ट्रायंगल को, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाएगी ना, मैंने कल भी तो बोला था 9th वाला ये हो गया पूरा, 7th वाला 7th
सेवन बचा है, सेवन देख लो क्या है, क्या प्रूफ करना है? एक्चुअली इसका डायग्राम तो मनोज को मैं बता देता हूँ ना, है छोटा सा ही। हाँ पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी। प्रूफ दैट एरिया ऑफ एन ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन एन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। पहले स्क्वायर बनाए हम, पहले स्क्वायर बनाए, सुनो सुनो सुनो, पहले स्क्वायर बनाए, सबकी साइड है ए ए ए और ए। यहाँ पर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ आप, यहाँ पर क्या बनाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो इसकी साइड भी क्या आएगी, ए और ए। तो ये एक काम तो कर दिया हमने, क्या प्रूफ करना था, प्रूव दैट एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, वन साइड ऑफ स्क्वायर पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इज इक्वल टू दी हाफ, मतलब इसका एरिया क्या निकलेगा, हाफ निकलेगा, किसके हाफ, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इस डायगोनल, मतलब इसके डायगोनल पे भी आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया बनाना है। आया कि बात समझ में कि नहीं, मतलब एक एक एरिया किससे बनाना है, साइड से, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल किससे बनाना है, साइड से, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल किससे बनाना है, उसके डायगोनल से, या तो ये रफ में बना दो या इसी पे चिपका दो। अच्छा ये डायगोनल इसका डी, डिस्टेंस इसका डी, तो इसका भी कितना हो जाएगा, क्या बात समझ में आती है? पर डी का वैल्यू तुम निकाल भी तो सकते हो। अरे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का यार तुम्हें एरिया याद है, कितने को याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, वेरी गुड, कितना होता है, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, है ना, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, मतलब ए क्या होता है, साइड, आया कि नहीं आया, ए क्या होता है, साइड, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर। अभी तुम याद रखा करो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है, रूट थ्री बाय फोर साइड का स्क्वायर, साइड लिख लो ए को अपन ने, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, हरी बात समझ में, रूट थ्री बाय लिख लो इसको, रूट थ्री बाय फोर ए बाय, चलो अगर इसको नाम दे दें ए बी सी डी ई, इसको भी दे देना नाम ए बी सी, फिर डी यहाँ पे लाओ, ई और एफ यहाँ पे लाओ, थोड़ा सीक्वेंस में मैंने कर दिया है, रेंडम जो देना है आप उसे नाम दे दो, ठीक है, नहीं वो कैपिटल ए है ना, ठीक है, साइड एक्स लेना, एक्स ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बताओ क्या होगा, बताओ बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया, चलिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ का क्या होगा बताओ, रूट थ्री बाय फोर डी स्क्वायर, पर डी का बस वैल्यू निकाल लो, डायगोनल का स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं डी का, ये देखो 90 डिग्री पे बनता है क्या ये, तो ये बेस हो रही है क्या परपेंडिकुलर, तो अब तुमको हाइपोटेनस निकालते आ जाएगा क्या, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों सेम प्रजाति है स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, ये कितना डी स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा, रूट आएगा, आ रही बात समझ में, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा पूरे पे, अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो रूट के बंटवारे हो जाएंगे, प्लस में मत कर देना, मल्टीप्लाई में तो टू का रूट टू रखेगा और ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, रूट टू है, ठीक है, क्या डायगोनल, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, स्क्वायर हटेगा ना बेटा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है ना, स्क्वायर हटा रूट पूरे पे लगाया, आप क्या बोल रहे हो, स्क्वायर इसको काट दो, नहीं नहीं फिर हाँ बिल्कुल लगा दिया, ये ना तो रूट टू का रूट कितना होता है टू, और ए स्क्वायर का रूट कितना होता है, रूट और स्क्वायर कट जाते तो ए, बंटवारे आई ना समझ में, मल्टीप्लीकेशन में बंटवारे करो, प्लस माइनस में ध्यान रखो, आइडेंटिटी लगती है, बीच में प्लस आ जाए ना तो फिर ऐसा भी नहीं करना, क्या बहुत दिक्कत है, टू बाय सेवन प्लस नाइन बाय सिक्सटीन है, अपन क्या कर देते हैं, ये लो अपना गणित क्या है वो बिल्कुल साफ है, फिर बोल के आते हैं ना तेरा भाई का पेपर सबसे अच्छा गया टॉप का, तो भाई मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हो ना आप ये काम, मल्टीप्लाई होता है ना तो आपको बहुत सारे रूल्स जो होते हैं
छूट होती है। तो साइन आपको बचपन से सिखाए जाते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, आप प्लस माइनस पे ज़्यादा सतर्क हो, ठीक है। चलो रूट टू है, समझ में आ गया बेटा? क्या मैं डी की जगह रूट टू ए रख दूँ? हालांकि मुझे दिक्कत ही नहीं थी यार, डी स्क्वायर का सीधे टू ए स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना है, डी स्क्वायर रखना है। तो क्या मैं सीधे डी स्क्वायर की जगह टू ए स्क्वायर रख दूँ यहाँ पर? रख सकते हैं ना। चलो तो टू ए स्क्वायर रख दूँ क्या मैं? मतलब ये हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर टू ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको क्या बोला था, इन दोनों ट्रेंगल का रेशो निकालना था। ये सी ई एफ है ना, सी ई एफ, इन दोनों ट्रेंगल का रेशो निकल जाएगा। मतलब ये और ये, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, इसको और ये वाले को, ये वाले को और ये वाले को। तो देखो रूट थ्री बाय फोर और रूट थ्री बाय फोर कट जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, और बचेगा कितना, वन बाय टू। वन बाय टू मतलब हाफ होता है। आगे जो प्रूफ करना था नहीं आया, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल सी ई एफ का रेशियो कितना होगा, वन बाय टू। मतलब इनमें से बड़ा है, बड़ा है, एरिया किसका होगा, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? नीचे वाले का। डायगोनल बड़ा होता है, डायगोनल की साइड बड़ी होगी साइड से, इसलिए उसका एरिया भी बड़ा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब एक स्क्वायर की साइड से ट्रेंगल बनाया और उसी के डायगोनल से ट्रेंगल बनाया और दोनों का नाम इक्विलेटरल रखा, तो एक का साइड छोटा, एक का साइड बड़ा बनेगा। इसी के कारण आप बोल सकते हो कि इसका एरिया क्या निकलेगा, डबल। इसका एरिया डबल है ना सी ई एफ का। भाई मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 10 रुपए, तो मेरे कितने स्टेटमेंट होंगे, दो। मेरे पास कितने रुपए, 20 रुपए, मैं टीचर हूँ, 20 रुपए मेरे पास, आप बच्चे हो, आपके पास कितने हैं, 10 रुपए। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास आपकी तुलना में दो गुना पैसे हैं। काट दिया, रेशो निकालना था ना, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, मेरे पास 20 है, आपके पास क्या है, 10 है। तो इसके कितने स्टेटमेंट बन सकते हैं, दो। क्या बोल सकते हो कि सर आपके पास मेरी तुलना में तो डबल पैसे हैं, और मैं बोल सकता हूँ बेटा तेरे पास तो आधे पैसे। नहीं समझा? तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। मतलब मैं इस इक्वेशन को उल्टा पुल्टा करके डिवाइड कर देता तो ऊपर टू आ जाता। नहीं समझ रहे हो? वो नीचे क्या आ जाता, वन। तुम बोलते यार वन बाय टू तो आया नहीं, टू आ गया। क्या समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट है ये, छोटी छोटी चीजें, दिमाग को कैसे अपने को प्रूव कर। मतलब वन बाय टू लाना है तो डिवाइड ही वैसा करो कि वहां टू बने। तो अगर वहां टू आता है तो गलत थोड़ी है, फिर क्या कहूंगा मैं कि वो तो डबल हो गया। भैया एक का एरिया आधा है तो दूसरे का डबल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मैथ्स को थोड़ी ना पता क्या डबल और क्या आधा है, तो हम देख के बोलते हैं। चलो इज दैट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये डिफिकल्ट इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसका डायग्राम बच्चों को समझ में नहीं आएगा, शब्दों के जाल में फंस जाएगा बच्चा। बोले यार ये ट्रेंगल पड़ा हुआ रहेगा एनसीईआरटी से, परंतु वो देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं तो ये बात मानता हूँ। आप प्रैक्टिस करते जाओ, आज अपन ने 5 क्वेश्चन पढ़े, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो बात अलग है, मैं जब बच्चा था तो मैं भी नहीं करता था, ठीक है, तो मुझे पता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, बाय बोन इंटेलिजेंस ही बहुत कम होती है। बच्चों को हमेशा इंटेलिजेंट बनाया जाता है, याद रखना। बच्चा सीख सीख के इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है, जो जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप इंटेलिजेंस ही ऐसे ही तो डेवलप होती है, जैसे कुछ लोग बेचारा बच्चा मेहनत करता है पर वो इंटेलिजेंस ही डेवलप नहीं कर पाता, गाइडेंस प्रॉब्लम। गाइडेंस मतलब जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया किसी का, क्लासेस वगैरह नहीं कर पाता है, तो बहुत मेहनत करता है वो, पर देखो आप वो पीछे रह जाएगा। यहाँ तुमको शॉर्टकट में पता चल रहा है, 5 क्वेश्चन तुम यूट्यूब पर दिमाग खराब करते हैं और तुम्हारा दिमाग फेल हो जाता, आउट ऑफ माइंड। तो ये चीज़ होना चाहिए आपको, अगर इंटेलिजेंसी मिल रही है डेवलप करो धीरे धीरे, पढ़ाओ अपने माइंड को, बहुत आगे बढ़ने का टाइम आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन तुम्हारा आने वाला है, मेरा काम तुम्हें दोनों चीज़ें भी पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करना। मैं कभी भी नहीं कहूँगा बेटा कि तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैंने आज तक किसी बच्चे को बोला भी नहीं है और ना मैं बोलूँगा, ठीक है। इसीलिए अपने विवेक से लेना, सभी को लेना है आगे क्या करना है भविष्य में। अब आप सीधे कॉलेज गोइंग हो गए, मैं हमेशा बता रहा हूँ, आगे ना तुम्हारा कॉलेज, अब 11th, मतलब आपको पता है बॉम्बे में तो 11th को कॉलेज कहते हैं, वहाँ पर
वहाँ पे 11th मतलब बच्चा ऐसा है कि कॉलेज स्टूडेंट हो गया, मतलब उसका स्कूल रहता स्कूल ही है पर वहाँ पर एक एनवायरनमेंट अलग हो जाता है उनका, मतलब वो आपसे 2 साल ज़्यादा क्या है, आगे एडवांस है। तो कुल मिला के बात ये है कि अपने आपको कॉम्पीट है ना, खुद से नहीं करना है, किससे करनी है, आप किस हम उम्र वालों से, 20 साल की अगर आप हो फॉर एग्जांपल और वो भी 20 साल का है तो आपसे वो 2 साल एडवांस तो कॉलेज में ही हो गया, वो तो उसकी बुद्धि यूँ ही बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलो अब तुम सोचते कि अच्छा सर उल्टा पढ़ना चाहिए क्या, कि जब हम छोटे रहते तब अपने को एरिया सिखाना चाहिए फिर बाद में ABCD आखिरी में सिखाना चाहिए, उनको अच्छे से समझ। लास्ट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ बहुत ज़रूरी होता था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज भी रहेगी। पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप, बिल्कुल सही है, पर इसकी थ्योरम पढ़नी है, ठीक है, बस बहुत हो गया। थ्योरम 6.7 इसमें जरूरी है, पढ़ लो थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7, टाइम बचा है, टाइम मत देखो बेटा। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वाटर राइट एंगल ट्रेंगल हाइपोटेनस देन द ट्रेंगल ऑफ बोथ द साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रेंगल टू ईच अदर। आज यूज किया तुमने ये क्वेश्चन? अच्छा 6.7 कितने को समझ में आ गया, अच्छा इंग्लिश से समझ आया कितने लोगों से, मैं तो तुमको फील देता हूँ हमेशा ये हो रहा है और बिना तुमको समझे, तुम मान लो इंग्लिश तो सब पढ़ते ही हो ऐसे ही तुम समझ के तुमको चलो दिया है, आगे क्या समझ में, थोड़ा बहुत ही उल्टा पुल्टा कुछ भी क्या समझ में आता है। पहले देखा करो गिवन क्या है यार, गिवन क्या है, फॉर्मूला नहीं है, 6.8 में है पाइथागोरस का फॉर्मूला, 6.7 समझा रहा हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन 6.7 से आने की संभावना ज्यादा है, पाइथागोरस थ्योरम तो कोई भी लगा देगा, 6.7 को समझना है ना अपने को। स्टॉप करना रचित, स्टॉप करना है ना, गिवन क्या है 6.7 थ्योरम, 6.7 ये है कि अगर सबसे पहले क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, अब मारो गोली क्या लिखा उसमें तो समझा देता हूँ आपको कि राइट एंगल ट्रेंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रेंगल गिवन है और हाइपोटेनस पे तुमने क्या डाला है, इस वर्टेक्स से क्या डाला है 90 डिग्री, तो बेटा कितने ट्रेंगल बन गए बताओ, 3 नहीं बन रहे, एक पूरा बड़ा वाला, बाहर वाले को 1 नाम दिया, अंदर वाले को 2 और इस वाले को 3, मतलब अगर तुम राइट एंगल ट्रेंगल में वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे क्या डालना जरूरी है, परपेंडिकुलर, कोई सी भी लाइन मत डालना, क्या डालना, परपेंडिकुलर डालोगे तो इस तरीके से ट्रेंगल के 2 बंटवारे हो जाएंगे और ओवरऑल ट्रेंगल कितने हो जाएंगे, 3, तो ये ट्रेंगल आपस में भी सिमिलर होंगे, अब पढ़ो इंग्लिश समझ में आ जाएगी तुमको, देन ट्रेंगल ऑन बोथ साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर सिमिलर टू द होल ट्रेंगल एंड टू द ईच अदर, मतलब ये दोनों ट्रेंगल आपस में भी क्या है, सिमिलर है और ये पूरे ट्रेंगल के भी लिए क्या है, सिमिलर, मतलब ट्रेंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रेंगल 2, ट्रेंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रेंगल 3 एंड ट्रेंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रेंगल 3 ऑल्सो, क्या बात समझ में आई, ABCD वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, तुम अब समझ जाओगे ना, ABCD डालेंगे तो ABC, अगर ट्रेंगल सिमिलर है तो कौन कौन सी 6 चीज़ें करोगे, कौन कौन सी 2 चीजें करोगे, ट्रेंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दोगे और साइड्स को प्रोपोर्शन कर दोगे, ये तो रूल ही है ना यार, मतलब अगर ऐसा है तो वैसा कर दोगे, बस वो ध्यान में रखना ऐसा मैं कर सकता हूँ, इतनी चीज ध्यान में रखने से ही आपके NCERT इसके ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन तो यूं ही निकल लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगवाएगा तुमसे वो, बस यही सोचेगा कि क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, भाई कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुम देख रहे हो और कॉन्सेप्ट का मतलब बस यही, जैसे मीडियन का भी मैंने बताया तुमको, तो वो देख लेगा तुमको याद है कि नहीं फॉर्मूला, एक दिन बैठना और सारे फॉर्मूले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो याद करने होते, देखो पढ़ाई करने का एक तरीका होता है यार,
ठीक है। हाँ देख, नोट्स बनते हैं सबके। अपन क्या करते हैं, बस क्वेश्चन आया सॉल्व करना चालू कर दिया। अरे ऐसे थोड़ी तैयारी होती है। वो जैसे मीडिया ने कॉन्सेप्ट बना, उस मीडियन का उसका एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है कि अच्छा ऐसा होता है, दिमाग में दिमाग को समझाना पड़ता है कि देख बेटा ये मीडियन है, ये मीडियन है, जब ये सिमिलर होता है ना तो इसका एरिया का रेशियो स्क्वायर इसके बराबर होता है। खुद को दिमाग को खुद से समझाना पड़ेगा तुमको मेरे समझाने के बाद, ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या काम का। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक पाइथागोरस थ्योरम बस, इसकी 6.7 क्या है, 6.7 के बाद 6.8 में प्रूफ तो हमें है नहीं कोई से भी। 6.8 पाइथागोरस थ्योरम है जो कि अब आपको बताइए। तो सीधे सीधे मैं बोल देता हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, ये ए बी और सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। ए बी डी में भी पाइथागोरस लगेगी। बताओ क्या इक्वेशन बनेगी ए बी डी की पाइथागोरस की। अच्छा बताओ ए बी डी में हाइपोटेन्यूस कौन सा है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, मतलब ए बी 90 डिग्री के सामने। देखो अब यही साइड बची है, या फिर ये हिस्सा और ये हिस्से को छोड़ के, मतलब ये लाइन इससे टच हो गई, ये इससे टच हो गई, बची हुई वही लाइन, तो बची हुई लाइन ही हमेशा हाइपोटेन्यूस बनती है जिस पर 90 डिग्री नहीं बनता होता है, वही सबसे बड़ी होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। मतलब इसकी भी इक्वेशन बना दो, तीसरे की भी बना दो, क्या दिक्कत है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब इन इक्वेशन का आपस में कुछ ना कुछ पुट कर कुरा के भी और प्रूफ कर सकते हैं। 6.7 6.8